नमस्कार दोस्तों, एमसीजी एकेडमी ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरपीएफ के ट्रेड टेस्ट चल रहे हैं, लगातार मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियो लेकर के आ रहा हूं। तो ये अपडेटेड वीडियो का 29वां भाग है। इससे पहले 28 वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूं। चूंकि मैं घर से बाहर हूं, फिर भी मैं आप लोगों के लिए जो है बराबर मेहनत कर रहा हूं। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, इसको पूरा अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि ये भाई क्वालिफाई हो चुके हैं और इनका एक्सपीरियंस कुछ अलग ही है। और यदि आपके कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं इनसे जो है आपके क्वेश्चन जो है सीधे रख दूंगा। ओके, तो इनको पूरा ध्यान से अंत तक जरूर सुनिएगा। और साथ ही साथ इनका कुछ इस प्रकार का कहना है कि कुछ भी नहीं पूछा गया इनसे, थोड़ा सा कुछ पूछा गया, करवाया कुछ भी नहीं, फिर भी इनका सिलेक्शन हो गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में जानकारी ले सकते हो। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा, आगे के लिए जो कोई भी अपडेट होगी आप लोगों के लिए, नीचे आरपी अपडेट टेस्ट नाम से चैनल दिया गया, उसी पर आप लोगों के लिए अपडेट होगी, तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। इनका भाई का एक्सपीरियंस वीडियो पूरा अंत तक सुनिएगा ध्यान से। ओके सर। हाँ सर, आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा शुभ नाम चिंटू कुमार है सर। हाँ चिंटू कुमार जी, तो आपका ट्रेड टेस्ट किस दिनांक में था? 18/8 मीन्स आज ही था ना? यस आज ही था। तो हाँ सर, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो अपने भाइयों के साथ? ओके सर, क्यों नहीं, बिल्कुल बताइएगा। सुबह से क्या क्या हुआ सर आपके साथ? मैं सुबह आया 6th बटालियन आरपीएसएफ। कहाँ? दिल्ली से? दया बस्ती। दिल्ली? दिल्ली दया बस्ती। हाँ सर, तो पहुँचने का तरीका बताइए, कैसे कहाँ पहुँचना है, यदि कहाँ उतरे, आप कहाँ उतरे, कैसे पहुँचे, थोड़ा सब बताइए। नियर स्टेशन है सर, सराय रोहिला। हाँ तो आप उतरे कहाँ पर? सराय रोहिला स्टेशन। हाँ सर, न्यू दिल्ली से या मेट्रो पकड़ लो या बस पकड़ लो। हाँ, या ट्रेन भी जाती है। हाँ शिवम, ट्रेन भी जाती है। हाँ सर। तो वहाँ उतरने के बाद कोई ऑटो भाड़ा नहीं, ऑटो वाले बोलेगा 50 लेंगे 100 लेंगे। हाँ। कैंप के पहुंचाने के लिए सर वहाँ से मात्र 500 मीटर है, पैदल ही चलकर जा सकते हैं, किसी से कोई पूछने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर। हाँ, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है? नहीं सर। हाँ सर, बाहर निकलो स्टेशन के बाहर, डायरेक्टली एक पुलिया नजर आएगा सर। हाँ सर, खास वहीं पे बैठा लिया। हाँ सर, और मैं वहाँ पहुंचा सर तो वहाँ लाइन में लगे। हाँ। एक और पहला नंबर तो बहुत बारिश हो गई थी सर। क्या सर, पहले बहुत बारिश हो रही थी? हाँ, रात से ही बारिश हो रहा था 3 बजे से सर। हाँ सर, बारिश की वजह से लेट हुआ। हाँ सर, कितने बजे से शुरू हुआ सर? स्टार्टिंग लगभग सर 10 बजे से हुआ। हाँ सर। सर आपका ट्रेड कौन सा था सर? मेरा स्वीपर था सर। स्वीपर का था? हाँ सर बताइए सर। ये सर, तो 20-20 बच्चे ले जा रहे थे। हाँ सर। इसमें? हाँ। उसमें क्वालिफाई एक लड़का कर रहा। हाँ सर। एक लड़का मेरे भाई से क्वालिफाई किया, 20 में से एक लड़का, मात्र एक लड़का। हाँ सर। डेली लगभग 500 बंदे हैं इसमें। मिक्सिंग है सर। मतलब मिक्सिंग कैसी? एक दो तीन लड़का का आज वाटर कैरियर का भी था। अच्छा सर। यस। हाँ बताते रहिएगा सर। और अंदर ले गए। पहला नंबर तो ये सर कोई बड़ा पद भी नहीं है। हाँ सर। इसका इतना प्रेशर डाला हुआ था। हाँ सर। कि यहाँ साइन टिप्पा करो, यहाँ वेरिफिकेशन करो, यहाँ साइन करो, वहाँ टिप्पा लगाओ। हाँ। कभी यहाँ ले जाए, कभी वहाँ ले जाए, परेशान परेशान करके रख दिया। हाँ सर। उसके बाद मैं वो एक साहब बैठते हैं। हाँ सर। एचपी क्लास है साहब। हाँ। वहाँ अंदर में एंट्री करवाए, एक बार में 10 बच्चा। एक बार में 10 बच्चों का मतलब गिनती करवाया? हाँ, 10 बच्चे अंदर ले गए। हाँ। टेस्ट वाले रूम में। हाँ। वहाँ टेबल पर रखा हुआ था एक क्लोनी। क्या रखा हुआ था? मीटर साफ होता है ना आईना सर। हाँ। वो रखा हुआ था। हाँ सर। एक साबुन रखा हुआ था। एक जो साबुन था ना, वो साबुन नहीं था, वो फिटकरी था, साबुन जैसा लगा। सब बच्चा कंफ्यूजन उसी में ज्यादा हो रहा था। तो वो फिटकरी था। हाँ सर। तो पूछ रहे थे कि ये कौन सी साबुन है। हाँ सर। तो बच्चा सब देखा, ये साबुन तो थोड़ा ना फिटकरी है। हाँ। तो हम लोग भी बोले फिटकरी है। हाँ। उसके बाद बोला, भाई तुम लोग क्या क्या जानते हो? हाँ। तो आप लोग बोले कि सर मेरा एक्सपीरियंस है, हम भी जानते हैं बहुत सारा कुछ। बोले ठीक है बताओ, तो ये क्लोनिन के बारे में पूछा, हार्पिक के बारे में पूछा कि इसमें मटेरियल क्या है, कैसे बनाया जाता। हार्पिक के मटेरियल के बारे में पूछा? यस सर। हाँ, फिर आपने क्या बताया सर जवाब में? हमने कहा हार्पिक एक एसिड से एसिड द्वारा बनाया जाता है। हाँ सर। इथनर क्या बोलता है सर?
इस प्रकार से सर आपने, मैंने जो आपको हेल्प बताई थी उसी प्रकार से निकला ना सर आपने? हाँ हाँ, थिकनर, एसिड थिकनर, हाँ मोबाइल पे सर्च कर कर देखे थे। हाँ सर, वो बोले सर, तो उसके बाद बोलने का मौका ही नहीं देता बोलो। हाँ सर, एक बच्चा से बढ़िया से पूछे, बस पूछा, उसके बाद अगले बच्चे से पूछना स्टार्ट कर दिया। हाँ, उसके बाद सर साफ सफाई कुछ नहीं करवा रहा, खाली उसमें 10 बच्चे में बोला किस किस को झाड़ू मारने आता, तो हाथ उठाया सब कोई, मेरे को भी आता। हाँ, झाड़ू मारने को सब कोई हाथ उठाए? हाँ सब उठाया, पर बट दो लड़का के दिया कि लो मार के दिखाओ। हाँ, पर उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। दो लड़कों के बोले हाँ झाड़ू मार के दिखाना है, तो उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ? नहीं हुआ। हाँ फिर? फिर बट फिर एक और बैच में फिर अगले 10 बच्चा गया, उससे मैंने बात की कैसे क्या हुआ भाई, और बोला मैंने तो कुछ नहीं बताया, पता नहीं वो लोग ओनली चेहरे देख लेता है, और ए, हम तो झाड़ू मार के दिखाए थे और मेरा सिलेक्शन हो गया। आपने झाड़ू मारी थी? मैंने झाड़ू नहीं, हमसे झाड़ू नहीं मरवाया था। आपने क्या किया था सर? मैंने ये नाम बताई थी ये क्लोनिन के बारे। क्या सर? ये नाम बताई थी, दर्पण जो आईना साफ करने की होता है ना सर। हाँ हाँ, तो उसकी नाम बताया था। बस इतने में ही हो गया? बस इतना ही पूछा था बस। वो तो सर सीधा सीधा ये है कि मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी से वो कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, ऐसा ना सर? नहीं, कुछ भी नहीं करवा सकते सर, मतलब ये क्राइटेरिया फिक्स है। वहाँ जैसे बाथरूम ये सब वगैरह वगैरह है ना सर? हाँ सर, ये सब कुछ नहीं करवा रहा है, ना सेप्टिक टैंक, ना बाथरूम, ना ये लैटरिंग, ये सब कुछ नहीं। हाँ, सिर्फ वहाँ दो झाड़ू सिर्फ रखा हुआ, एक पुल वाला झाड़ू, एक बांस वाला झाड़ू। हाँ सर, बस वही दो रखा हुआ सर। और सर हार्पिक वगैरह के बारे में कुछ बताइए, मतलब किस प्रकार से यूज करवा रहे थे, क्या क्या कर रहे थे? मतलब हार्पिक का कोई यूज नहीं करवा रहा है, सिर्फ नाम पूछ रहे हैं कि ये क्या है। हाँ सर, तो मैंने बताया हार्पिक है, तो हार्पिक का मटेरियल बताओ ये कैसे बनाया जाता, किससे बनता। तो ये अब यही तो सर बच्चों की हेल्प होती है, अब ये सब कुछ बच्चों को पता तो लग जाएगा पहले से। कुछ बच्चे देने के लिए आते हैं, उनको यही पता नहीं है क्या करवाया जा रहा है क्या नहीं। और जो फर्स्ट बैच वाले थे उनको 10 ही लोगों का सिलेक्शन हुआ 500 में से। आज तो फिर भी जैसी अच्छा रहा होगा, आज कितने बच्चे सिलेक्ट हुए? आज वही लगभग 500 में 40-45 बच्चे। अब बताइए पहले दिन 10 बच्चे सिलेक्ट हुए, एक्सपीरियंस वीडियो देख देख के दूसरे दिन इतना इफेक्ट पड़ा कि मतलब 40-45 बच्चे सिलेक्ट हुए, बहुत अच्छा है। फिर भी मतलब कुछ तो हेल्प मिल रहा है बच्चों को, ऐसा मैं मानता हूँ। हाँ हाँ सर, जरूर। सर आपने मेरी एक्सपीरियंस वीडियो पहले से देख रखी थी क्या? हाँ, मैं एक्सपीरियंस वीडियो देखे थे सर। कुछ कहना चाहोगे उनके बारे में सर, कुछ बच्चों से? मैंने तो हाँ सर सीखा सर एक्सपीरियंस वीडियो से। हाँ सर, मैंने भी वो झाड़ू तो मुझसे नहीं मरवाई थी। हाँ सर, मर ये क्लोनिन के बारे ये सब के बारे पता था। हाँ, और तो कुछ नहीं सर। जो है आपका ट्रेड टेस्ट हो गया, उसके बाद क्या करवाया सर? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर। सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बताइए सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, किस प्रकार से, मतलब क्या फोटोकॉपी वगैरह सब कुछ बताइए मतलब एक बार। एक एक चीज का जीरोक्स सर ले जाना। हाँ सर, और प्लस ये क्या बोलता है, हाँ मैट्रिक का सर्टिफिकेट। हाँ, मैट्रिक का मार्कशीट। हाँ, और जो अपना क्वालिफिकेशन डाले ना, हाँ, कितना ग्रेजुएट डाले हैं, कितना इंटरमीडिएट डाले हैं। हाँ सर, वो इंटर का ले लेना है। हाँ सर, एक सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट ले लेना। हाँ सर, और आधार कार्ड या पैन कार्ड। आधार कार्ड या पैन कार्ड, मतलब सर 10th 12th ले आना है। और ये आधार कार्ड और ये पैन कार्ड। आधार कार्ड और पैन कार्ड। यस सर, आधार कार्ड, पैन, 10th 12th, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और कुछ भी नहीं? और कुछ भी नहीं सर, इतने में बस हो जाएगा। और जाति आवासीय बस। जाति और आवासीय। अच्छा, जाति मूल सर। सेंट्रल का क्या क्या है सर्टिफिकेट ले आना है सर? मतलब सेंट्रल का सिर्फ ओबीसी, एससी, एसटी का सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बस। अच्छा सर, तो मतलब सर कुछ बच्चों का क्या इस प्रकार का आ रहा था कि हमसे झाड़ू लगवाया और मतलब ये करवा रहे हैं सब, मतलब हर बच्चे का क्या एक्सपीरियंस अलग अलग है, तो सर हर बच्चे का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मेरा तो यही कहना होगा सर। मेरा तो कहना है ना सर कि जितना भी लिखा था मैंने घुसा, सबसे पहले बात कर ली, लड़का सब निकला तो बोला कैसा ऐसा हो रहा भाई, कोई काम नहीं करवा रहा, कुछ नहीं करवा रहा, होता ना लेटरिंग साफ करवा के दिखा रहा है, ये सुपर प्रोग्राम होता है ना। हाँ, ये सब करवाएगा, कोई साफ सफाई नहीं करवा रहा, उसके इच्छे पे झाड़ू मरवाएगा, और वही झाड़ू बस एक से दो सेकंड के लिए सिर्फ पकड़ने का तरीका देखता है। हाँ बस, तो आप तो ये और बताइएगा सर, मतलब किस प्रकार से आप बच्चों के आप मोटिवेशन कुछ कहना चाहोगे सर?
ये सर क्या कहना चाहोगे बताइए सर। हम तो यही कहेंगे सर कि जितना जो ये है ना हारपिक और एक कुलीन जो दर्पण साफ करने वाली होती है आईना, जो ग्लास साफ होती है, उसके बारे पूरा डिस्कशन पूरा नॉलेज ले ले। हाँ सर बढ़िया से। हाँ सर बस और कुछ सर और कोई जानकारी? और तो इसके एक साबुन वो बता रहा सर, वो साबुन नहीं है फिटकरी है सर। हाँ सर हाँ वो बट कंफ्यूजन करने के लिए हाथ में देता है ये कौन सी साबुन है ऐसा सर। और वो साबुन नहीं है। हाँ। आप साबुन बोल देना बोलिएगा पता नहीं है साबुन वो फिटकरी है बोलिएगा साबुन कहाँ ये तो फिटकरी है सर। हाँ सर और सर इसको आपको भी बताया जा रहा हूँ बच्चे सुनने वाले हैं तो उनके लिए कोई संदेश कुछ अच्छी बात कहना चाहोगे सर? मैं तो यही कहूँगा सर तो वहाँ जाने पर ना मॉर्निंग में जाते हैं बच्चे लोग सोचते हैं कि अगले लोग निकलेंगे उससे बात करेंगे घर के लोग प्रेशर में डूब जाते हैं बच्चे लोग प्रेशर में नहीं डूबना आंख बंद कर माइंड स्थिर कर जाना सीट से और जो भी पूछे सही जवाब देना। हाँ ये भी आपका कहना बहुत ही बहुत सही है सर। सर मैं भी क्या है घर से ही बाहर हूँ मतलब मैं स्टूडियो में नहीं हूँ फिर भी लेकिन आपका एक्सपीरियंस ले रहा हूँ क्योंकि बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है इस कारण से मैंने भी थोड़ा 10 मिनट का समय निकाला और आपने भी अपना कीमती समय बच्चों को दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर। सर ये आपका जो वीडियो है आपको 6 बजे हमारी MCG अकेडमी ग्वालियर पर उपलब्ध हो जाएगा सर। 6 बजे सर। हाँ सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। फोटो भी डालना चाहेंगे सर? यस सर। पी की भी डालना चाहोगे? क्या सर? पी की भी डालना चाहेंगे? ग्रुप बी? नहीं नहीं पी की भी डालना चाहेंगे? समझ नहीं आ रहा। हाँ बोले फोटो भी डालना चाहेंगे? नहीं सर इतना ही बस कोई दिक्कत नहीं है सर। फोटो यदि आप हो तो आप मुझे सेंड कर दीजिए मैं देखता हूँ। ठीक है सर ये आपका व्हाट्सएप नंबर है? यस सर। मैंने अपना फोटो सेंड कर देता हूँ। ओके सर। ओके सर ठीक है सर। ओके सर और कुछ जाननी है सर? नहीं बस इतना ही काफी है सर। थैंक यू सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।